तो फ्रेंड्स अभी मैं कागबड़ मंदिर के अंदर खोड़ियार माँ के दर्शन के लिए आ गया हूँ। तो अंदर तो मना ही है लेकिन बाहर से मैं पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली अंदर नहीं ले जाने देते, इधर से मैं जलाराम वीरपुर जाऊँगा वहाँ भी ऐसी पाबंदी ही है, तो अंदर का नहीं करते, कुछ दिक्कत वाला काम नहीं करते, इसीलिए मैं बाहर से ही पूरा दिखाता हूँ आपको। ये पूरा मंदिर है देखिए, कागवड़ का खोड़िया माता जी का, और ऐसी क्लीननेस मैंने अभी इधर कितने 1.5 महीने से घूम रहा हूँ पूरे गुजरात में, ऐसी क्लीननेस मैंने कहीं भी नहीं देखी है। कि मंदिर के अंदर आओ तो हाथ सैनिटाइजर करवाते हैं और खाने पीने की जो सुविधा है, और एक भी कचरा नहीं दिखता इधर देखिए, पूरा क्लीन मंदिर है। गुजरात में इतनी जगह पर घूमा, ये दूसरा मंदिर ऐसा है, एक पालीताना का है और एक दूसरा ये मंदिर है। तो यहाँ से जैसी क्लीननेस है वहाँ किसी भी जगह पे नहीं मेरे को देखने को मिली। तो ये बाहर का व्यू है और आगे जाके मैं दूसरा व्यू दिखा। ये फ्रेंड्स पीछे की साइड का नज़ारा है पूरा देखे, और ये सामने गार्डन पूरा बैठने के लिए सब सुविधा, खाने पीने के सब प्रसादी प्रसादी सब इधर मिलता रहता है। तो कभी भी आप आओ तो दिक्कत नहीं ले खाने पीने की। और ये देखे पूरा, सच में यार ऐसा क्लीननेस मैंने कहीं भी नहीं देखा है, पहला ऐसा मंदिर है ऐसा मैंने क्लीननेस देखा है। ये फ्रेंड्स एंट्री गेट है मंदिर का, देख सकते हो आप, पूरा इधर से अंदर नहीं अलाउड है कैमरा, और ये बाहर से आने का गेट। तो फ्रेंड्स ये पूरा कागवड़ मंदिर है देखिए, और ये गार्डन भी देखिए कितना क्लीन है पूरा, पूरा गार्डन क्लीन है देखिए। सामने झोपड़ी है और सब बैठने के लिए जगह बनाई है, तो आराम कर सकते हैं इधर बैठ के भी। तो फ्रेंड्स मैं कागवड़ से अभी गोंडल जा रहा था, तो वहाँ पे ये फेमस होटल है श्री खोड़ियार होटल करके, तो वहाँ जाके मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये होटल वाले ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था, नीलेश भाई करके नाम है, उसने मुझे फुल सपोर्ट किया था। अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी चीज़ बनाते हैं, कौन सी वेराइटी है। ये होटल के बाहर ये बैठने के लिए गार्डन है, मंदिर से आप रिटर्न जाओ ना तो 300 या 350 मीटर में ही आता है ये होटल, 500 मीटर समथिंग गिनती मान लो ना, 500 मीटर में आ जाता है ये पूरा होटल है। तो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ, और उसकी ये स्पेशल आइटम है तिल का और कोकोनट नारियली का हलवा बनाते हैं, स्पेशल है उसकी ये आइटम, तो वहाँ जाके टेस्ट करता हूँ क्या है कैसा है। तो होटल के अंदर आ गया हूँ, ये पूरी होटल है देखिए, पूरी क्लीन आपको खाने पीने के लिए मिलेगी। इधर खाने बैठे तो इसलिए मैं नहीं बना पाऊँगा ज़्यादा, तो मैं खा के बनाता हूँ पूरा खाना खा के। तो फ्रेंड्स ये यहाँ के ओनर है नीलेश भाई करके नाम था, बोला विशाल भाई नाम था, सॉरी दूसरी बार मिस्टेक हो गई। तो ये यहाँ के ओनर है, उसने साथ में मुझे खाना खाने के लिए बिठाए, और मैं आपको पूरी प्लेट दिखा। तो ये देखिए सेव टमाटा का साग सब्जी बनाई है, और चपाती है, सलाद है, और बटर मिल्क भी है। तो अभी टेस्ट तो मैंने किया, एक बाइट टेस्ट किया, ये देख सकते हो आप, तो बहुत मज़ा आया था। तो एक बार आप भी इसकी मुलाकात लीजिए, कभी भी कागवड़ आए ना तो एक बार इसकी भी मुलाकात लीजिए, और मैं आपको पूरा मेनू भी दिखा देता हूँ, मेनू में क्या क्या चीज़ बनाते हैं। और इधर आके स्पेशल है ना, जो मैंने हलवा बताया ना, वो तिल का और तेल और क्या कोकोनट का नारियली का हलवा जो मैंने बताया था, वो भी देखो ये कर रहे हैं कि नहीं, सबसे बढ़िया ही आता है हलवा। तो आप कभी भी आओ ना तो एक बार टेस्ट अचूक कीजिए इधर। और नीलेश भाई से बात करते हैं, नीलेश भाई आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हो? 3 साल। विशाल भाई 3 साल से बात, 3 साल से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। मैंने सभी जगह पे इधर कागवड़ में होटल देखी, सब जगह पे खाली ही था। तो अभी मैं इधर 2:30 बजे खाना खाने की जगह मिली है, अभी तक इतना पब्लिक आती रहती थी ना तो खाना खाने का भी दिक्कत हो रही थी। तो चलो मैं खाना खा के आपको पूरा बताता हूँ कैसा है सब कुछ। तो फ्रेंड्स ये यहाँ का मेनू ये देखिए, ये फर्स्ट वेज है, बाद में सेकंड वेज से आइटम चालू हो जाती है पूरी बनाने की। ये भी देखिए, ये पूरा यहाँ का मेनू है। तो आपको तो फ्रेंड्स होटल से मुझे ये जानने के लिए बताया कि होटल के पीछे है ना उसकी खेती है,
और ये गौशाला ये देखे, पेड़ के नीचे गौ माता बांधे हुए है। तो ये दूध और बटर मिल्क वो सब आता है ना, वो ओरिजिनली यूज़ करते हैं इधर से, इसीलिए गौशाला उसने बनाई है। और सब्जी भी इधर खेत में ही उगाते हैं, वो बाहर से कुछ लाते ही नहीं है। और मरी मसाला लाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो तो ऑब्वियसली लाना ही पड़ता है बाहर से। बाकी खाने पीने की जो चीज़ है ना, जैसे कि सब्जी है, दूध है, दही है, छाछ है, वो सब यहाँ खुद की प्रोडक्ट है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग ही है, और ये गौ माता के यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वीरपुर आ गया हूँ, जलाराम वीरपुर। यहाँ अंदर फ़ोटो शूट करने नहीं देते, इसलिए मैं बाहर का मार्केट सब दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरी मार्केट है, छोटी छोटी गलियाँ। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये रहने की सुविधा है यहाँ पे, धर्मशाला जैसा है। तो जनरल वार्ड में आप जाते हो ना तो 30 रुपया लगता है, और बाहर का पता नहीं है मुझे कितना है। तो फ्रेंड्स, मुझे वीरपुर से लेके गोंडल तक की लिफ्ट मिल गई है। तो ये सर जी है, मुझे आइसर में ले जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे गुजरात के अंदर आइसर में बहुत ज़्यादा लिफ्ट मिली है, वो सब ड्राइवर लोग सबसे अच्छे रहे थे, इसीलिए मुझे लिफ्ट भी उसने दी है। ये देखिए, वो भी उसको भी मैं दिखाता हूँ कि नहीं, यूट्यूब के अंदर आप आओगे तो वो भी खुशम खुश हो जाते हैं, इसीलिए उसको भी देखने की मज़ा आती है। तो वीडियो बनाते रहते हैं और सबको दिखाते रहते हैं। और मैं यहाँ से अभी गोंडल जाऊँगा और गोंडल का आपको पूरा नज़ारा दिखाऊँगा। तो गोंडल में अभी पहुँचने वाला हूँ, जस्ट 21 सेकंड में मैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी गोंडल आ गया हूँ। तो ये मेरे सब्सक्राइबर है, और सब्सक्राइबर कम है, यूट्यूबर है, तो उसका ओम ब्लॉग करके चैनल है। तो वो मुझे इधर गोंडल के अंदर पूरा घूमने के लिए लेके आए हैं। तो मैं अभी घूमने के लिए आया हूँ। तो ये स्वामीनारायण का मंदिर है, BAPS का। तो मैं आपको पूरा व्यू मंदिर का दिखाता हूँ, और मैं शाम को ओम के घर पे ही रुकने वाला हूँ, तो वहाँ का भी व्यू दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो आप पूरा मंदिर का, ये पीछे का गेट है, अक्षर द्वार करके, ये देखिए पीछे गेट है, और आगे मंदिर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अंदर आने का गेट है, देखिए अक्षर द्वार है, यहाँ से हम अंदर आए। और सामने सब धर्मशाला जैसा कुछ है, स्वामी जी का है कुछ, मुझे पता नहीं है। ये मंदिर है, देखिए अंदर शायद अलाउड नहीं है फ़ोन, इसीलिए मैं नीचे से दिखा रहा हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ पूरा। अभी लाइटिंग इतनी है ना, तो भगवान इतना चमक मार रहे हैं ना। तो ये देखिए, ये स्वामी जी का कुछ है अक्षर डेरी करके, मैं पूरा पता करके आपको बताता रहूँगा बाद में। और ये पूरा मंदिर है, अभी बारिश है इसीलिए क्लियरिटी भी इतनी अच्छी नहीं आती है, फिर भी इतनी आती है तो बढ़िया है। और ये साइड भी ऐसा है, देखिए मंदिर का पूरा व्यू, ये पूरा मंदिर है, सबसे बढ़िया, बहुत मज़ा आने वाला मंदिर है, सबसे अच्छा मंदिर है ये। तो फ्रेंड, ये मंदिर के अंदर का व्यू है पूरा, देखिए शायद अंदर अलाउड नहीं है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मंदिर का व्यू है, आप देख सकते हो पूरा मंदिर का, इधर भजन हो रहा है सर। फ्रेंड, कहीं भी किसी भी जगह पे जाओ, कुछ होना हो, लेकिन गणपति जी तो हर रोज रहते ही है इधर। और कहीं भी जब मंदिर में जाओ तो पहले गणेश जी की स्थापना होती है, बाद में मंदिर में जो भी भगवान है वो आते हैं। तो ये देख सकते हो गणपति जी है, और ये सामने हनुमान जी है, कष्टभंजन देव, वहाँ जाकर दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू। ये देख सकते हो, ये हनुमान जी महाराज है। फ्रेंड्स, ये मंदिर के नीचे अक्षर डेरी करके पूरे सोने की बनाई हुई है अक्षर डेरी, देखिए ऐसा भी आपने कभी भी नहीं देखा होगा, पूरे अक्षर डेरी है।